नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 26th of March है और आज थर्सडे का दिन रहेगा। राहु काल का समय रहेगा 1:43 PM से लेकर के 3 PM तक का। इसी के साथ आप सबको दूसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज दूसरा नवरात्रा है और आज हम माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा उपासना करेंगे। माँ शक्ति का ये जो दूसरा स्वरूप है ये माँ ब्रह्मचारिणी का है, जो कि जप तप वैराग्य की देवी मानी जाती हैं। और इनका जो स्वभाव, इनका जो हम बात करें स्वरूप की, तो माँ ब्रह्मचारिणी जो है इनके हाथ में आप देखेंगे कमंडल है जबकि माला है। और इसी तरह से पता लगता है कि माँ जो ब्रह्मचारिणी है वो वैराग्य सिखाती हैं हमें, क्योंकि माँ पार्वती का ही जो स्वरूप था उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए ब्रह्म तप किया था। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि माँ का स्वरूप जो है वो ज्ञान की बढ़ोतरी भी करवाता है। तो इसलिए इस दिन खास तौर पे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिनका फोकस नहीं बन पाता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से आप अपने मंगल ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। जी हाँ, मार्स को मजबूत किया जा सकता है। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएंगे और शक्कर का भोग लगाने से आपका मंगल मजबूत होगा। इसके अलावा हम चक्रा बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो कल मूलाधार चक्र की बात हुई थी और आज बात होगी आपके लिए स्वाधिष्ठान चक्र की, जिसे सैक्रल चक्र कहा जाता है। सैक्रल चक्र जो होता है आपके मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्थित होता है और आप देखेंगे कि स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने से आपके लिए कई सारे प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, क्योंकि चक्र जो होते हैं वो आपको मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पर असर करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हेल्थ इशूज़ भी खत्म होते हैं और साइकोलॉजिकल समस्याएँ भी खत्म होती हैं। तो बात करेंगे इस चक्र को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करके आप अपने सैक्रल चक्र को, स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। ऑरेंज कलर के आसन पर बैठें और उसके बाद आप इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। इसी के साथ हम बात करेंगे आप लोगों के लिए राशियों की और जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि का। आज निकल रहे नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड द स्ट्रेंथ। तो आज के दिन में दाम्पत्य जीवन जो है वो सुख में रहेगा। रिश्तों में मधुरता आती हुई नजर आ रही है। आप लोगों के लिए यात्रा में किसी मूल्यवान वस्तु के खो जाने की आशंका नज़र आ रही है। अपने सामान को संभाल करके रखिएगा। पुराने मित्रों से आज के दिन में भेंट हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज आपको किसी भी मंदिर में जा करके नारियल का भोग लगाना है माँ दुर्गा को। बात करते हैं टॉरेंट्स की। कार्ड से कल आपके लिए द टावर एंड सेवन ऑफ कप्स। विरोधी परास्त होंगे। स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति आज थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। आज के दिन में लंबी यात्राएं आपके लिए काफ़ी हद तक उत्साहवर्धक रहेंगी। किसी भी अतिथि का आगमन हो सकता है आज। उपाय की बात कर लेते हैं तो आज भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, हम बात करें दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की, तो माँ पार्वती का जो स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है, ये देवी दुर्गा के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो आज के दिन बृहस्पतिवार का दिन है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा आपके लिए की जानी चाहिए। आज दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल रिवर्स कार्ड निकल रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम प्रयास जो है वो आपके लिए सफल रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। आर्थिक मामलों में प्रगति के योग नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ में व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा है। उपाय की बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए, संध्या काल के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आज अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोग प्रयास कीजिएगा सफ़ेद रंग के वस्त्र आज जरूर धारण करें, या ऑफ वाइट कलर के वस्त्र धारण करें, या फिर हल्के रंग के जो वस्त्र हैं वो जरूर धारण करें। ऐसे करने से आत्मिक शांति मिलेगी। कर्क राशि की बात करते हैं। कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए नाइन ऑफ कप्स एंड दी सन। तो आज घर के कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। प्रगति के लिए आज दीप दान करना ज़्यादा फलदायक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप जैसा चाहते हैं वैसे आपको सफलता भी मिलेगी। किया गया पुरुषार्थ यानी कि किया गया प्रयास जो है उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। उपाय की बात कर लेते हैं तो जैसे मैंने कहा आज के दिन में दीप दान करना अच्छा रहेगा। इसके अलावा किसी भी मंदिर में जाकर के शक्कर का भोग भी आप माँ दुर्गा को लगा सकते हैं। बात करते हैं अब सिंह राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स कार्ड निकल रहा है। दाम्पत्य जीवन में आपके लिए खास तौर पे जो तालमेल है वो बनेगा एक दूसरे के साथ। घर के कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रचनात्मक कार्य जो है वो फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। संबंधों में निकटता बढ़ेगी एक दूसरे के प्रति। सिंह राशि वाले जो लोग हैं आज चंदन आज भगवान विष्णु को अर्पित कीजिएगा और तुलसी में संध्याकाल के समय दीपक जलाइएगा। कन्या राशि,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष आप लोगों के लिए मजबूत रहेगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आज शासन सत्ता का सहयोग आप लोगों को मिल रहा है, व्यवसायिक प्रयास जो है वो आप लोगों के लिए फलीभूत होंगे। उपाय की बात कर लेते हैं तो आज सुबह उठ करके कोशिश कीजिएगा शालिग्राम जी को पंचामृत से आपको स्नान कराना है। इसके अलावा क्योंकि आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है तो कोशिश कीजिएगा माँ सरस्वती की आराधना आप लोग जरूर करें। तुला राशि एस ऑफ वॉन्स एंड द हैंग्ड मैन कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में व्यवसायिक मामलों में प्रगति हो सकती है, दाम्पत्य जीवन जो है वो सुख में रहेगा आप लोगों के लिए, उपहार और सम्मान में वृद्धि होगी। आप लोग जिस क्षेत्र में किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है आज के दिन में। उपाय की बात कर लेते हैं तो आज माँ लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ियाँ आप लोग जरूर अर्पित कीजिएगा, फाइनेंशियल इश्यूज खत्म होंगे। वृश्चिक राशि टू ऑफ पेंटाकल्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स रिवर्स कार्ड है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उनका सानिध्य मिलेगा, उनका साथ मिलेगा आपको। भागदौड़ हालांकि थोड़ी सी रहेगी लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जरूरी है, सचेत रहें आप लोग। आज यात्रा के बारे में ना ही सोचें तो बेहतर है, यात्रा टाल देना आज बेहतर रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग, आज कोशिश कीजिएगा संध्याकाल के समय आप लोग लोबान की धुनी या फिर कोशिश कीजिएगा कपूर की धुनी अपने आसपास जरूर दें। इसके अलावा आज नमक के पानी से स्नान करना अच्छा रहेगा। धनुराशि नाइन ऑफ वॉन्स एंड द हर्मिट कार्ड निकल रहा है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है आप लोगों के लिए। किसी कार्य के संपन्न होने से आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कारोबार में निवेश करना आज के दिन में लाभप्रद रहेगा। धनुराशि वाले लोगों के लिए आज गुलाब की पंखुड़ियाँ अपने पानी में डाल करके उसके बाद स्नान कीजिएगा, उसके बाद चंदन का तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगाएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे आप एक तो फोकस्ड रहेंगे, इसके अलावा आप लोगों के लिए जो स्ट्रेस है जो एंग्जाइटी है वो खत्म होगी। मकर राशि की बात करते हैं, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स कार्ड है। तो आज रचनात्मक कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए कामकाज में प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आज किसी भी कोर्ट कचहरी का जो मामला है वो खत्म हो सकता है और खासतौर पर घर की उपयोगी चीज़ों के ऊपर खर्चा पड़ सकता है। मकर राशि वाले लोग कोशिश करेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ जरूर करें और अपने घर में तुलसी में आज दीपक जरूर जलाएंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं, फोर ऑफ कप्स और टेन ऑफ कप्स रिवर्स कार्ड निकल रहा है। दाम्पत्य जीवन आप लोगों के लिए सुख में रहेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज किसी भी व्यक्ति विशेष का सहयोग मिल सकता है, संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी और पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। उपाय क्या करेंगे कुंभ राशि वाले लोग, आज सुबह उठ करके प्रयास करेंगे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग रोज एसेंस का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा रोज एसेंस का अगर प्रयोग नहीं कर सकते तो सैंडलवुड एसेंस का प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं और साथ ही साथ में आज लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। मीन राशि क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेथ रिवर्स कार्ड है। पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी आज के दिन में। जो आपसे जूनियर्स हैं, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो पड़ोसी हैं, उनसे थोड़ा सा तनाव या वाद विवाद की स्थितियाँ नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेगा, किसी अतिथि के आगमन की वजह से व्यस्तता बढ़ सकती है। कामकाज में आज थोड़ा सा मन लगा करके कार्य करें अपने वर्क प्लेस पर तो बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज संयमित रहने के लिए कोशिश कीजिएगा सुगंधित कोई भी चीज़ आज माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। दूसरे नवरात्रि की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए अश्रुता के साथ।